नाइन वैन का जो एक कंप्लीट आंसर मैं आपको देने जा रहा हूं, 11th नंबर क्यू कार्ड है समहाउ। अगर आप मकर वाली बुक से करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर आपको मेरे वाले एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वहां से भी आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। कुछ वीडियोस मेरी जो इसके बारे में है वो इंस्टाग्राम के ऊपर पड़ी है, स्पेशली जो मुश्किल वाले क्यू कार्ड्स हैं मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो क्यू कार्ड्स हैं वो क्लासेस के टाइम पर ही पॉसिबल होते हैं, तो जितना मेरे पास टाइम रहता है। तो नेक्स्ट सेशन जो है इस टाइम पर चलने जा रहा है। ओके, सो 11th क्यू कार्ड आप मकर वाले बुक से करना चाहो वहां से भी कर सकते हो, अगेन ग्रेट एक्सप्लेनेशन देयर, अदरवाइज यू कैन गो विथ माइंड वन। तो पहले देखिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताने वाली है। ओके, सीधा क्यू कार्ड को पढ़ के नहीं आएगा, स्टाइल को समझिए कि व्हाट टाइप ऑफ स्टाइल आई एम यूजिंग और आई एम ट्राइंग टू यूज इन दिस क्यू कार्ड। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू गॉट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां जहां पर भी मैं डबल कॉमर्स को यूज कर रहा हूँ ना वहां पर स्लो होना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग देखिए किस लेवल की स्टार्टिंग हो रही है, लाइफ आई बिलीव रुकना है, लाइफ इज वेरी अनप्रडिक्टेबल नहीं कहना, लाइफ आई बिलीव इज वेरी अनप्रडिक्टेबल। ओके, लाइफ के बाद रुकना है, लाइफ आई बिलीव इज वेरी अनप्रडिक्टेबल, ऐसा नहीं कहना आई बिलीव लाइफ इज वेरी अनप्रडिक्टेबल, अच्छा है बट हाई स्कोरिंग के लिए रुकना है। लाइफ आई बिलीव इज वेरी अनप्रडिक्टेबल एंड ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी इन लाइफ, अनसर्टेनिटी का मतलब पता नहीं चलता कि जिंदगी में कब क्या हो जाए, वी हैव टू पे अ प्राइस, हमें मतलब उसका कीमत चुकानी भी पड़ सकती है। हावर देर हैव बिन सम सिचुएशंस इन माई लाइफ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन्स, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी आपको इस टाइप की लाइन्स, इज नो पॉसिबिलिटी यू आर गोइंग टू गेट दीज लाइन्स एनीवेयर एल्स, व्हेन आई गॉट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड थिंग्स टर्न्ड आउट टू बी इन माई फेवर। सो फेवर का मतलब क्या आ जाएगा कि जिंदगी में काफ़ी बार ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती, थिंग्स चेंज हो जाती हैं, बट सम हाउ सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं थी, ऐसी सिचुएशंस हो गई, बड़ी अजीब सी सिचुएशन बट मेरे पक्ष में चली गई। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन आई गॉट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। How you got it? I received an email regarding my interview for the company. हाँ, अभी क्या हो सकता है कि दो तरह के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। पहले स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम तो स्टूडेंट हैं, आई मीन टू से कि जॉब नहीं कर रहे, वी आर नॉट वर्किंग प्रोफेशनल। तो भी मैंने इसलिए इनमें जानबूझकर ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब के बारे में जानकारी दी है। इवन इफ यू आर स्टूडेंट तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल तो भी आप कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब। आई रिसीव्ड एन ईमेल इन विच द टाइमिंग, आई रिसीव्ड एन ईमेल रिगार्डिंग माई इंटरव्यू फ्रॉम द कंपनी। आई रिसीव यहाँ पर द ईमेल भी लिख सकते हैं, इन विच द टाइमिंग एंड वेन्यू वर मेंशन, टाइमिंग वगैरह थी बताइए। द ईमेल रिसीव्ड हैड सम टाइपिंग एरर्स, उसमें टाइपिंग एरर्स थे, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला है। द टाइमिंग मेंशन वाज इनकरेक्ट एंड इवन द वेन्यू डिटेल्स वर चेंज्ड, तो टाइमिंग के इश्यूज आ गए। वेन यू गॉट इट, एक्चुअली आई हैड एन इंटरव्यू अरेंज फॉर मी फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, आई वॉन्ट टू हैव अ साइड जॉब एज आई वॉज फ्री इन द इवनिंग टाइम, बैक देन आई अप्लाइड फॉर मैनी जॉब्स एंड फाइनली गॉट अपॉइंटेड फॉर दैट और पॉइंटेड फॉर वन जॉब, दैट वॉज वेरी ग्रेट, इट वॉज माई फाइनल इंटरव्यू। यहाँ पर मेन चीज चली जाएगी, हाउ यू फाइंड इट वॉज इनकरेक्ट, द ओरिजिनल टाइमिंग वॉज सपोज्ड टू बिगिन वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज टू बी 7 PM बट द मेंशन वन वॉज 7 AM, तो मेंशन टाइमिंग नहीं कहेंगे मेंशन वन कहेंगे। एट फर्स्ट आई थॉट वाई वुड समवन अरेंज द इंटरव्यू टाइमिंग दैट अर्ली फॉर एन इवनिंग जॉब, and then the venue was quite far away from the company's address, but due to excitement I did not think much about it, likh sakte hain, did not think much bhi theek hai, and just arrived on time. After waiting for like an hour I felt skeptical about the timing and venue and decided to get back home. Dekh rahe ho ki 7 baje ki timing thi, 7 pm likhna chahiye tha because this was an evening type of job, so sham ki job hai to sham ko interview kijiye na, subah kya kar rahe hain, subah hi 7 baje typing error ho gaya because हम तो चले एक्साइटेड होने, तो दिक्कत आ गई। इनिशियली आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड सैड एट द सेम टाइम बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई हैड मिस्ड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई कुड नॉट फिगर इट आउट, मुझे नहीं समझ आया, बट देन आई डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट द पर्सन हु हैड सेंट मी द मेल, और ईमेल लिखते हैं यहाँ पर मेल की बजाय। विद इन 2 hours दे रीच्ड आउट टू मी एंड एक्सप्लेन्ड हाउ दे हैड मिस्टेकनली सेंट रॉन्ग डिटेल्स। देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे जा रहा है ये क्यू कार्ड जो जा रहा है। द रीजन इज वी आर यूजिंग पास्ट परफेक्ट टाइप ऑफ टेंसेस, पास्ट परफेक्ट टेंसेस जो है बहुत ज्यादा रेयर है, वेरी हाई बैंड स्कोरिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट कैन गेट यू लॉट ऑफ स्कोरिंग, बट ज्यादातर लोग इसको ना तो यूज कर पाते हैं, तो बच्चों की भी गलती नहीं है, उनको नहीं करवाया जाता फॉर सम रीजन। दे सेंड मी द फाइनल डिटेल्स अगेन, द इंटरव्यू वेंट वेरी वेल एंड फॉर द कंपनसेशन, मतलब जो मेरा नुकसान हुआ है कि सुबह ही मुझे बुला लिया, इतनी दूर मुझे जाना पड़ा, ऑफ द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, ओके, और फॉर द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते कंपनसेशन, इन्फॉर्मेशन मिस्टेकनली सेंड टू मी, दे गेव मी सम एडिशनल ऑफर्स, आई वॉज रियली हैप्पी। तो इस तरीके से आप इनको सारे के सारे क्यू कार्ड को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो वेरी डिटेल्ड क्यू कार्ड, पूरा सुनना फिर ही पता चलेगा कि कहाँ पर कैसे कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है।
थैंक यू सो मच. नेक्स्ट सेशन इज स्टार्टिंग ऑन 15 मई 2023.